समस्तंकु शुभ दिन। कंप्यूटर शिक्षा को सहयोग करिछंती। मु आशा करूछि कि पूर्व क्लास रे जहाँ सब शिखा जाइथिला तुम मानकर मने थिबो। आजर क्लास रे तुम्हें किछि नुआ शिखिबो, किंतु आस आमे ताहा करिबा पूर्वरु तुम्हें कौन सब शिखिथिलो तार अभ्यास करिनबा। कौन तुम्हें समस्ते कही परिबो पूर्व क्लास रे तुम्हें कौन सब शिखिथिलो? एबे पर्यंत तुम्हें माने इंप्रेस रो स्टैंडर्ड टूल बार एवं फाइल एडिट एवं व्यू मेनू रो किछि ऑप्शन गुड़िक विषय रे शिखिथिलो। तुम्हें स्टैंडर्ड टूल बार रे केउं सब ऑप्शन गुड़िक विषय रे शिखिथिलो? स्टैंडर्ड टूल बार रे तुम्हें बहुत गुरुत्वपूर्ण ऑप्शन गुड़िक विषय रे शिखिथिलो, जेपरी कि न्यू, सेव, ओपन एवं एक्सपर्ट एज पीडीएफ इत्यादि। वर्तमान तुम मानकु किछि प्रश्न पचरा जिवो जहा कि तुम्हे जहा शिखिथिलो ताहा अभ्यास करिवारे तुमको सहाय्य करिवो। कौन तुम्हें कही परिबो तुम्हें तुमरो इंप्रेस फाइल रे ग्रिड ऑप्शन को केमिति लुचाई परिबो एवं देखाई परिबो? तुम्हें ग्रिड ऑप्शन को दुईटी माध्यम रे लुचाई परिबो किंबा देखाई परिबो। प्रथम माध्यमटी तुम्हें व्यू मेनू को व्यवहार करि परिबो एवं द्वितीय माध्यमटी तुम्हें टूल बार ऑप्शन को व्यवहार करि लुचाई परिबो एवं देखाई परिबो। आमे पॉइंट्स ऑप्शन रो व्यवहार काहे कि करि थाउ? इंप्रेस फाइल रे पॉइंट ऑप्शन गोटे आकर्षक विषय अटे, कारण एही ऑप्शन रो व्यवहार करी तुम्हें तुमर जेकोनसी चित्र रे तुम इच्छा अनुसार जेकोनसी जगह रे पॉइंट्स लगाई परिबो, जहाँ द्वारा तुम्हें सही चित्र को आहुरी मध्य भल भाव रे तैयारी करि परिबो। तुम्हें कही परिबो आमे फील्ड ऑप्शन रो व्यवहार काहेकि करि थाउ? एडिट मेनू बार रो फील्ड ऑप्शन मध्यरे आगरु थिबा किछि फॉर्मेट गुड़ी को तुम्हें पाई परिबो एवं तुम्हें फील्ड ऑप्शन सहाय्य रे फील्ड ऑप्शन गुड़ी को एडिट मध्य करि परिबो। तुम्हें कही परिबो आमे हाइपरलिंक ऑप्शन रो व्यवहार काहेकि करि थाउ? हाइपरलिंक रो व्यवहार करी तुम्हें जेकोनसी फाइल को गोटे लिंक द्वारा तुम्हारो इंप्रेस फाइल रे लिंक करी परिबो एवं तापरे तुम्हें सही फाइल को ओपन करी परिबो एवं सेथिरे काम मध्य करी परिबो। वर्तमान तुम्हें समस्ते तुम्हारो कंप्यूटर को स्विच ऑन करो एवं इंप्रेस फाइल को ओपन करो। आसो प्रथमे आजिरो क्लास रे तुम्हें कौन शिखिबो ताहा विषय रे जानिबा। आजर क्लास रे तुम्हें माने समस्ते इनसर्ट मेनू एवं फॉर्मेट मेनू रो रही जाइथिबा ऑप्शन गुड़िक विषय रे शिखिबो, जेमिति कि इनसर्ट मेनू रो एक्सपांड स्लाइड, समरी स्लाइड, एनिमेटेड इमेज, मूवी एंड साउंड, ऑब्जेक्ट एवं चार्ट ऑप्शन विषय रे शिखिबो एवं एहा सहित फॉर्मेट मेनू रो किछि ऑप्शन विषय रे शिखिबो, जेमिति कि पोजीशन एंड साइज, लाइन, एरिया, टेक्स्ट, क्रॉप पिक्चर, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग, ग्रुप फाइल विषय रे शिखिबो। तापरे तुम्हें टूल मेनू रो किछि ऑप्शन गुड़िक विषय रे शिखिबो, जेमिति कि स्पेलिंग, लैंग्वेज, कलर रिप्लेसर, मीडिया प्लेयर इत्यादि विषय रे मध्य शिखिबो। तेबे तुम्हें आजिरो क्लास रे बहुत गुड़िए ऑप्शन विषय रे शिखिबो। प्रथमे तुम्हें जाओ एवं आगरे देखा जाइथिबा पाराग्राफ को टाइप करो। तुम्हें समस्ते एही पाराग्राफ को टाइप करि दिछो। आसो वर्तमान आमे इनसर्ट मेनू रो रही जाइथिबा ऑप्शन गुड़िक विषय रे शिखिबा।
आस प्रथमे समरी स्लाइड विषय शिखिबा। कौन तुम्हें जानी छो आमे समरी स्लाइड ऑप्शन रो व्यवहार काहीकि करी थाउ? जदि तुम्हें तुम्हार इम्प्रेस फाइल रे व्यवहार करिथिबा सबो स्लाइड रो टाइटल गुड़िक विषय जानिबाकु चाहिबो तेबे तुम्हें समरी ऑप्शन रो व्यवहार करिबो। तुम फाइल रो स्लाइड गुड़िक रे व्यवहार होइथिबा समस्त टाइटल गुड़िकु समरी स्लाइड देखाई थाए। एवं जदि तुमको किछि असुविधा हेउछि तेबे एही वीडियो को देख एवं सेथिरु सीख। वर्तमान समरी स्लाइड ऑप्शन रो व्यवहार करिबा पई प्रथमे स्लाइड पेन को आसी राइट क्लिक कर, तापरे न्यू स्लाइड ऊपर क्लिक कर, गोटे नुआ स्लाइड इंसर्ट हो जिवो। एबे लेआउट ऑप्शन को जाई याकु टाइटल स्लाइड को परिवर्तन कर। एबे इठारे टाइटल जगार इठारे किछि तुम्हें टाइटल टाइप कर, एभली भाव तुम्हें किसी टाइटल इठारे एंटर कर पारिबो। जो भाई इठारे टाइटल एंटर कराई ए स्माइली फेस, तापरे इठारे टेक्स्ट जगार इठारे याकु टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट करी इठारे ड्राइंग टूल बार को आसो एवं इठारे स्माइली फेस पई गोटे इठारे शेप तैयारी कर, एभली भाव चित्रटी तैयारी कर जो भाई वीडियो रे देखा जाइछि। एबे तुम्हें एथरे कलर इनसर्ट करि परिबो जो भाई भितर कलर फिल करा जाइछि। एबे तुम्हें देखि परिबो तुम पाखरे दुईटी स्लाइड अछि। वर्तमान तुम्हारे कर्सर को इनसर्ट मेनू को नहीं गोटे थर क्लिक कर, तापरे एठारे समरी स्लाइड ऑप्शन ऊपर गोटे थर क्लिक कर। तुम्हें देखि परिबो एठारे गोटे समरी स्लाइड तुम स्लाइड शेष रे आसी जाइछि। जदि आकु तुम्हें क्लिक करुछ तुम्हें देखि परिबो एठारे तुम पाखर थिबा स्लाइड रो टाइटल गुड़िक इठारे आसी जाइछि। जेतोटी स्लाइड रही तार टाइटल गुड़िक इठारे आसी जाइछि। एही परि भाबरे तुम्हें समरी स्लाइड ऑप्शन रो व्यवहार करि परिबो। कौन तुम्हें कही परिबो एक्सपांड स्लाइड कौन अटे एवं आमे एहार व्यवहार काहेकि करि थाउ? एक्सपांड स्लाइड समरी स्लाइड सहित काम करि थाए जेतेबेले तुम पाखरे गोटे समरी स्लाइड थाए एवं तुम्हें जदि टाइटल गुड़िक केउठारे एवं केमिति स्लाइड गुड़िक रहिथिला जानिया पई चाहिबो तेबे तुम्हें एक्सपांड स्लाइड रो व्यवहार करिबो। एवं जदि तुमको किछि असुविधा हेउछि तेबे एही वीडियो को देख एवं सेथिरु सीख। वर्तमान एक्सपांड स्लाइड ऑप्शन रो व्यवहार करिबा पई तुम्हारे कर्सर किंबा पॉइंटर को प्रथमे इनसर्ट मेनू को नहीं क्लिक कर, तापरे एक्सपांड स्लाइड उपरे गोटे थर क्लिक कर। एहा द्वारा तुम्हें देखि परिबो समरी स्लाइड रे थिबा टाइटल अनुजाई दुईटी नुआ स्लाइड तैयारी होई छि। तृतीय स्लाइड टी अबाउट इंटरनेट एही टाइटल आसी एवं चतुर्थ स्लाइड टी एठारे तुम्हें देखि परिबो ए स्माइली फेस एही टाइटल अनुजाई गोटे नुआ स्लाइड आसी जाइ छि। एही परि भाबरे तुम्हें समरी स्लाइड रे थिबा टाइटल अनुजाई स्लाइड को एक्सपांड करिबा पई एक्सपांड स्लाइड ऑप्शन रो व्यवहार करि परिबो। कौन तुम्हारा मन अछि कि फॉर्मेटिंग मार्क काहे कि व्यवहार होइथाय एवं एहार व्यवहार द्वारा कौन होइथाय? तुम्हें फॉर्मेटिंग मार्क रो व्यवहार द्वारा तुम्हारा स्लाइड रे टाइप करिथिबा पाराग्राफ मध्य रे केते स्पेस अछि एवं केउ प्रकार सिंबल देइछ इत्यादि विषय रे जानि परिबो। परवर्ती ऑप्शन टी हेउछि एनिमेटेड इमेज। कौन तुम्हें जानिछ आमे एनिमेटेड इमेज रो व्यवहार काहे कि करि थाउ? इम्प्रेस रे एनिमेटेड इमेज ऑप्शन
गोटे आकर्षक विषय अटे। एनिमेटेड इमेज ऑप्शन द्वारा तुम्हें तुम्हारा स्लाइड रे थिबा चित्र किंबा गैलरी चित्र रे एनिमेशन लगाई पारिबो किंबा गैलरी चित्र रे एनिमेशन लगाई पारिबो। एनिमेटेड इमेज रो अर्थ हेउची चित्र गुड़िक समय समय रे किछि कार्य हेउथिबार देखाई थाए एवं सेई गुड़िक वास्तव भली देखा जाय थाए। आस वर्तमान एही वीडियो को देखी एनिमेटेड इमेज ऑप्शन रो व्यवहार केमिति करा जाए ता सिखिबा। वर्तमान एनिमेटेड इमेज ऑप्शन रो व्यवहार करिबा पई प्रथमे तुम्हारा कर्सर को इनसर्ट मेनू को नहीं क्लिक करो, तापरे एनिमेटेड इमेज ऑप्शन ऊपर क्लिक करो। इठारे गोटे बॉक्स ओपन हेबो एनिमेशन पई। एबे तुम्हारा कर्सर को इनसर्ट मेनू को नहीं क्लिक करो, तापरे पिक्चर ऑप्शन को जाओ, तापरे फ्रॉम फाइल ऑप्शन को क्लिक करो। एठारु गोटे चित्र को सिलेक्ट करो, तापरे ओपन ऊपर क्लिक करो। एही चित्रटी तुम्हारा स्लाइड रे इनसर्ट होई जिवो। एबे एनिमेशन पेज रे एठारे अप्लाई ऑब्जेक्ट ऊपर क्लिक करो, तापरे स्लाइड रु एही चित्रटी को डिलीट कर दियो। एबे पुनर्बार इनसर्ट मेनू को जाई क्लिक करो, तापरे पिक्चर ऑप्शन रु फ्रॉम फाइल को सिलेक्ट करो। एबे इठारे आ गुटे चित्र को सिलेक्ट करो, तापरे ओपन ऊपर क्लिक करो। सेई परी पुनर्बार तुम्हारा कर्सर को नहीं एनिमेशन पेज रे इठारे अप्लाई ऑब्जेक्ट ऊपर क्लिक करो, तापरे तुम्हारा स्लाइड रु ए चित्रटी को डिलीट कर दियो। सेई परी पुनर्बार इनसर्ट मेनू को जाओ, तापरे पिक्चर ऑप्शन को जाओ, तापरे फ्रॉम फाइल को सिलेक्ट करो। एबे इठारे आ गुटे चित्र को सिलेक्ट करो, तापरे ओपन ऊपर क्लिक करो। एही चित्रटी तुम्हारा स्लाइड रे आसी जिवो। एबे पूर्व परी एनिमेशन पेज को जाओ, तापरे अप्लाई ऑब्जेक्ट ऊपर गोटे थर क्लिक करो। यहा परे तुम्हारा स्लाइड रु एही चित्रटी को डिलीट कर दियो। सेही परी पुनर्बार इनसर्ट मेनू को जाओ, तापरे पिक्चर ऑप्शन को जाओ, यापरे फ्रॉम फाइल को सिलेक्ट करो। एठारे आ गुटे चित्र को सिलेक्ट करो, तापरे ओपन ऊपर क्लिक करो, यापरे एनिमेशन पेज को जाई अप्लाई ऑब्जेक्ट ऊपर गोटे थर क्लिक करो। एबे एही चित्रटी को डिलीट कर दियो तुम्हारा स्लाइड रु। एबे पुनर्बार इनसर्ट मेनू को जाई गोटे थर क्लिक करो, तापरे पिक्चर ऑप्शन को जाओ, तापरे फ्रॉम फाइल ऑप्शन को सिलेक्ट करो। एबे इठारे आ गुटे चित्र को सिलेक्ट करो, तापरे ओपन ऊपर क्लिक करो। एबे तुम्हारा कर्सर को नहीं एनिमेशन पेज रे थिबा अप्लाई ऑब्जेक्ट ऊपर गोटे थर क्लिक करो। एबे तुम पाखरे पांचटी चित्र एड हो जाइछि। एबे क्रिएट ऑप्शन ऊपर गोटे थर क्लिक करो, या परे एही एनिमेशन पेज टी को इठारे क्लोज कर दियो। एबे तुम्हें देखि परिबो एही गुडी को तुम्हें नॉर्मल व्यू रे देखि परिबो नाही, एथि पई तुम्हें F5 बटन रो प्रेस करो फुल स्क्रीन पई एवं तुम्हें एही स्लाइड गुडी को चेक करि परिबो एवं ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक करी तुम्हें एनिमेशन गुडी को देखि परिबो जे भली वीडियो रे देखा जाय छी। एही परि भाबरे तुम्हें एनिमेशन इमेज रो व्यवहार करि परिबो। परवर्ती ऑप्शन हेउची मूवी एंड साउंड। एही ऑप्शन रो व्यवहार करी तुम्हें तुम्हारा इंप्रेस फाइल रे जे कोनसी मूवी किंबा गीत को चलाई परिबो एवं तुम्हें ताहाकू गोटे फाइल रे एडिट मध्य करि परिबो।
तापरे ताहाकु तुमर इम्प्रेस फाइल रे करेंट स्लाइड रे चलाई पारिबो। जदि तुमको एथिपई किछि असुविधा होउछि तेबे एही वीडियो को देखो एवं सेथिरु सिखो। मूवी एंड साउंड ऑप्शन रो व्यवहार करिबा पई प्रथमे तुमर कर्सर किंबा पॉइंटर को इनसर्ट मेनू को नै क्लिक करो। तापरे एठारे मूवी एंड साउंड ऑप्शन को गोटे थर क्लिक करो। एठारे गोटे बॉक्स ओपन हेबो। एठार तुमे कोनसी वीडियो कोनसी गीत किंबा कोनसी मल्टीमीडिया फाइल को एठारु तुमे इनसर्ट करि परिबो। एठारे गोटे वीडियो अछि तुमे देखि परिबो। वीडियो जरे एहा को सिलेक्ट करो। तापरे ओपन ऑप्शन पे गोटे थर क्लिक करो। तुमे देखि परिबो सेही वीडियो टी तुमर स्लाइड रे इनसर्ट होई जैछि एवं एहा को तुम प्रेजेंटेशन रे तुमे व्यवहार करि परिबो ए वीडियो को एवं तुमे देखि परिबो ड्राइंग टूल बार उपरे गोटे टूल बार आछि एही वीडियो पई तुमे इठारे एहा को प्ले करिबा पई अर्थात चालू करिबा पई इठारे प्ले ऑप्शन उपरे गोटे थर क्लिक करो। या द्वारा वीडियो टी आरंभ हेबो चलिबा जेउ भली तुमे वीडियो देखि पारुछ एवं ए प्ले ऑप्शन पाखरे अन्य ऑप्शन मध्य अछि जाकी पॉज किंबा तुमे स्टॉप करि परिबो किंबा इठार तुमे रिपीट करि परिबो एवं तुमे इठारे म्यूट ऑप्शन रो व्यवहार करि याकु म्यूट करि परिबो। एबो भाबरे तुमे याकु व्यवहार करि परिबो एवं जदि एथिरे कोनोसी अन्य कोनोसी मल्टीमीडिया फाइल को तुमे इनसर्ट करिया पई चाहू छ तेबे प्ले बटन रो पाखरे गोटे ऑप्शन रही छि एड करिबा पई या ऊपर क्लिक करी तुमे अन्य कोनोसी मल्टीमीडिया फाइल को या सो ऐड करि परिबो। एही परि भाबरे तुमे मूवी एंड साउंड ऑप्शन रो व्यवहार करि परिबो। कोन तुमे कहि परिबो आमे ऑब्जेक्ट ऑप्शन रो व्यवहार काहें की करी थाउ। ऑब्जेक्ट ऑप्शन रे पूर्वरो किछि ऑप्शन किंबा फाइल रही थाए जेपरी चार्ट फॉर्मूला ड्राइंग इत्यादि तुमे जेउ ऑप्शन को व्यवहार करिबा पई चाहिबो तुमे ताकु बाछि परिबो। उदाहरण स्वरूप ओएलई ऑब्जेक्ट प्लग इन एठारे ओएलई रो माने हला ऑब्जेक्ट लिंक्ड एम्बेडिंग जहा तुमको तुम्हारा वर्तमान व्यवहार करूथिबा सीट रे गोटे ऑब्जेक्ट भाबरे व्यवहार करिया पई देथाय। जदि तुमको किछि असुविधा होउछि तेबे एही वीडियो को देखो एवं सेथिरु सिखो। वर्तमान तुम्हारा स्लाइड रे ऑब्जेक्ट को इनसर्ट करिबा पई प्रथमे गोटे स्लाइड को सिलेक्ट करो। या परे तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को इनसर्ट मेनू को नै गोटे थर क्लिक करो। या परे एठारे ऑब्जेक्ट ऑप्शन पाखो को तुम्हारा कर्सर नियो। एठारे प्रथम ऑप्शन रहिछि ओएलई ऑब्जेक्ट एहा उपर गोटे थर क्लिक करो। तुम अगर गोटे बॉक्स ओपन हेबो एठारे ऑप्शन तुम्हें देखि परिबो क्यों प्रकार ऑब्जेक्ट को तुम्हें इनसर्ट करिया पई चाहू छ स्प्रेडशीट चार्ट ड्राइंग फॉर्मूला टेक्स्ट इत्यादि। वर्तमान तुम्हें स्प्रेडशीट को सिलेक्ट करो एवं तापरे ओके बटन उपरे गोटे थर क्लिक करो। एठे तुम्हें देखि परिबो तुम्हारा स्लाइड रे गोटे स्प्रेडशीट रो गोटे छोटो स्प्रेडशीट एरा रे इनसर्ट होई जैछि एवं तुम्हें एथिरे स्प्रेडशीट रे करि परथियो काम भले इठार करि परिबो जे भले इठारे इनसर्ट कराई छि किछि नंबर एवं किछि टेक्स्ट एबळी बाबा तुम्हें एथिरे टेक्स्ट किंबा नंबर किंबा किछि फॉर्मूला व्यवहार करि परिबो एवं जे तुम्हें गोटे थर बाहर क्लिक करूछ
तबे तुम्हें देखी परिबो एठारे स्प्रेडशीट शो करूनाई केवल तुम्हें से थरे एंटर करथिबा टेक्स्ट किंबा नंबर गुड़ी को आसुची तुम्हें याकु डिलीट करी परिबो एवं या ऊपर डबल क्लिक करी तुम्हें याकु देखी परिबो एवं याकु तुम्हें चाहिले डिलीट करी परिबो किंबा कट पेस्ट करी परिबो मध्य या ऊपर याकु कट किंबा पेस्ट करी परिबो जो बड़ी वीडियो रे देखा जाई छी एबे गोटे थरा अंडू करा एवं एथिरे अन्य किछि ऑब्जेक्ट कु इंसर्ट करिबा पई पुनर्बार तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर कु इंसर्ट मेनू को नेकि जाओ एवं गोटे थरा क्लिक करा तापरे ऑब्जेक्ट ऑप्शन को जाओ एवं ओएलयू ऑब्जेक्ट को क्लिक करो एबे इठारे तुम्हें फर्दर ऑब्जेक्ट ऑप्शन को क्लिक करो तापरे ओके बटन को प्रेस करो एबे इठारे आउ गुटे बॉक्स ओपन हेबो इंसर्ट ऑब्जेक्ट बॉक्स नामरे इठारे क्रिएट फ्रॉम फाइल ऑप्शन को क्लिक करो तापरे ब्राउज ऊपर क्लिक करो एवं इठारु तुम्हें कोनसी फाइल को इंसर्ट करिया पई सिलेक्ट करि परिबो एबे गोटे चित्र को सिलेक्ट करो तापरे ओपन ऊपर क्लिक करो एबे ठारे तुम्हें देखि परिबो लिंक आसी जाई छी एबे ओके ऊपर क्लिक करो तुम्हें देखि परिबो सही चित्रटी तुम्हारा स्लाइड रे इंसर्ट होई जाई छी एवं इठारे गोटे छोटा बॉक्स आसु छी तुम्हें ता ऊपर जे डबल क्लिक करू छो तबे चित्रटी को देखि परिबो एवं तुम्हें याकु तुम्हें चाहूथिबा जे कोनसी जगह रे तुम्हें रखि परिबो तुम्हारा स्लाइड रे या पर गोटे थर क्लिक कले या सिलेक्ट हेबो एवं डबल क्लिक कले चित्रटी तुम्हें देखि परिबो एही परि भाब रे तुम्हें ऑब्जेक्ट ऑप्शन को व्यवहार करि परिबो वर्तमान तुम्हें फॉर्मेट मेनू रो रही जाइथिबा किछि ऑप्शन गुडी को विषय रे सिखिबो प्रथमे तुम्हें पोजीशन एंड साइज ऑप्शन विषय रे सिखिबो पोजीशन एंड साइज ऑप्शन रो व्यवहार द्वारा तुम्हें तुम्हारा इंप्रेस रो स्लाइड रे इंसर्ट करिथिबा ऑब्जेक्ट रो साइज को बढ़ाई परिबो एवं ताहाकु गोटिए जगह रो अन्य जगह को मध्य नेई परिबो तुम्हें तुम्हारा चित्र को रोटेट मध्य करि परिबो जदि तुम्हें लाइन टूल रो व्यवहार करथिबो तुम्हें पॉइंट ऑप्शन रो व्यवहार करि परिबो एवं जदि तुमको किछि असुविधा हेउछि तेबे एही वीडियो को देखो एवं सेथिरु सिखो वर्तमान पोजीशन एंड साइज ऑप्शन रो व्यवहार करबा पई प्रथमे गोटे नुवा स्लाइड नियो एति पई स्लाइड पेन ऊपर राइट क्लिक करो तापरे न्यू स्लाइड ऊपर क्लिक करो गोटे नुवा ब्लैंक स्लाइड आसी जइबो इठारे वर्तमान इठारे किछि शेप तयारी करो एति पई ड्राइंग टूल बार को जाई इठारु गोटे शेप को सिलेक्ट करो एवं वीडियो देखाई थिया बळी इठारे गोटे त्रिभुज तयारी करो एवं याकु कॉपी करी आ गोटे सेही बळी चित्र पाया पई इठारे पेस्ट करो जो बळी वीडियो देखा जाई छी एबळी होय दुईटी चित्र इठारे आसी जइबो एबे प्रथम चित्रटी को सिलेक्ट करो तापरे फॉर्मेट ऑप्शन को जाई गोटे थरो क्लिक करो वर्तमान इठारे पोजीशन एंड साइज ऑप्शन को क्लिक करो तुम आगरे गोटे बॉक्स ओपन हेबो इठारे पोजीशन एंड साइज को क्लिक करो इठारे पोजीशन एक्स पई एठारे तुम्हें अप एरो की को व्यवहार करी याकु बढ़ाई परिबो किंबा कमाई परिबो से भली पोजीशन वाई रे एठारे अप एरो की को प्रेस करी याकु बढ़ाई परिबो तापरे ओके बटन को प्रेस करो तुम्हें देखि परिबो एही चित्रटी पूर्व स्थान रु तळ को आसी जाई छी से भली पुनर्बार फॉर्मेट ऑप्शन को जाओ तापरे गोटे थरो क्लिक करो या परे पोजीशन एंड साइज ऑप्शन को जाई गोटे थरो क्लिक करो वर्तमान एठारे तुम्हें बेस पॉइंट सिलेक्ट करि परिबो जे बळी वीडियो देखा जाई छी एवं तार पोजीशन एक्स एवं पोजीशन वाई एठारे तुम्हें परिवर्तन पई अप एरो की को प्रेस करी याकु बढ़ाई परिबो एबे एठारे साइज ऑप्शन रही छी जेउ थिरे विड्थ एवं हाइट रो
साइज को तुम्हें बढ़ाई पार अप एरो की को प्रेस करी एवं यठार तुम्हें मध्य बेस पॉइंट सिलेक्ट करी परिबो जो भाई वीडियो रे देखा जाइछि तापरे ओके बटन को प्रेस करो। एबे तुम्हें देखि परिबो त्रिभुजर साइज बड़ा हो जाइछि कारण तुम्हें एथिरे विड्थ एवं हाइट को साइज को बड़ा करिछ। से भाई पुनर्बार फॉर्मेट मेनू को जाओ तापरे पोजीशन एंड साइज को क्लिक करो। वर्तमान इठारे प्रोटेक्ट ऑप्शन को क्लिक करो। जब तुम इठारे प्रोटेक्ट ऑप्शन को क्लिक करछ तबे तुम्हारे चित्र रे केही कोनोसी परिवर्तन किछि करि परिबे नै। तुम्हें देखि परिबो या वर्तमान विजिबल हेउ नै। इठारे रोटेशन ऑप्शन को जाई तुम्हें इठारे पोजीशन एक्स एवं पोजीशन वाई रो वैल्यू को बढ़ाई तुम्हें चेक करि परिबो। एबे इठारे डिफॉल्ट सेटिंग को क्लिक करो तापर ओके बटन को प्रेस करो। तुम्हें देखि परिबो इथरे कोनोसी परिवर्तन होई नै कारण तुम्हें याकु प्रोटेक्ट करिछ। सही परी पुनर्बार फॉर्मेट ऑप्शन को जाओ तापर पोजीशन एंड साइज ऑप्शन को जाओ। तुम्हें देखि परिबो इठारे ऑप्शन गुडी को हाइलाइट हेउ नै कारण तुम्हें याकु प्रोटेक्ट करि रखिछ तेनु एथिरे कोनोसी प्रकार परिवर्तन करि हेबो नै। जे तुम्हें या को अनसिलेक्ट करुछ तेबे एते ऑप्शन गुड़ी को हाइलाइट हेबो। तुम्हें देखि परिबो इठार ऑप्शन आसु नै कारण या प्रोटेक्ट होई अछि तेनु तुम्हें पुनर्बार स्लाइड को जाई द्वितीय चित्रटी को सिलेक्ट करो तापर फॉर्मेट ऑप्शन को जाओ तापर पोजीशन एंड साइज ऑप्शन को जाई क्लिक करो। एबे इठारे तुम्हें देखि परिबो रोटेशन ऑप्शन गुड़ी को हाइलाइट होई जाई छि। इठारे रोटेशन एंगल ले क्लिक करी तुम्हें यार एंगल को रोटेट करी परिबो जो भाई वीडियो रे देखा जाइछि। एबे ओके बटन को गोटे थोर प्रेस करो तुम्हें देखि परिबो तुम्हारा चित्रटी रोटेट होई जाइछि। सेही परी पुनर्बार फॉर्मेट मेनू को जाई गोटे थोर क्लिक करो तापरे पोजीशन एंड साइज ऑप्शन को क्लिक करो। वर्तमान एथिरे शेष ऑप्शन रहिछि स्लांट एंड कॉर्नर रेडियस। वर्तमान याकु सिलेक्ट करो। इठारे स्लांट ऑप्शन रे इठारे एंगल तुम्हें सिलेक्ट करि परिबो केते एंगल रे तुम्हें स्लांट करिया पे चाहौ छ। अप एरो की किमा डाउन एरो की को प्रेस करी एबे 30 डिग्री रख तापर ओके बटन को प्रेस करो। तुम्हें देखि परिबो तुम्हारो चित्रटी स्लांट होई जाइछि तुम्हें जते डिग्री देइथिलो। एही परि भाबरे तुम्हें पोजीशन एंड साइज ऑप्शन को सिलेक्ट करी ताकु व्यवहार करि परिबो। परवर्ती ऑप्शन लाइन रो अटे। लाइन ऑप्शन रो व्यवहार करी तुम्हें तैयारी करथिबा लाइन रो फॉर्मेटिंग को चेंज करि परिबो। तुम्हें तुम्हारा लाइन को तीनोटी माध्यम रे कस्टमाइज करि परिबो जेमिति कि लाइन लाइन स्टाइल लाइन एरो स्टाइल। तुम्हें एही गुडी को तुम इच्छा अनुसार कस्टमाइज करि परिबो। जदि तुमको किछ असुविधा होउछि तेबे एही वीडियो को देख एवं सेथिरु सिखो। वर्तमान लाइन ऑप्शन को व्यवहार करी लाइन रे फॉर्मेटिंग किंबा एरो स्टाइल रे परिवर्तन करिबा पई प्रथमे तुम्हारा कर्सर को ड्राइंग टूल बार को नै लाइन टूल को सिलेक्ट करो एवं तुम्हारा स्लाइड रे गोटे लाइन एभली भाव टाण जो भाई तुम्हें वीडियो रे देखि पारछ। या परे एथिरे फॉर्मेटिंग करिबा पई तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को फॉर्मेट ऑप्शन को नहीं गोटे थर क्लिक करो। तापरे एठारे लाइन ऑप्शन को गोटे थर क्लिक करो। तुम आगर गोटे बॉक्स ओपन हेबो जो थे तुम्हें देखि पारिबो प्रथमे लाइन ऑप्शन सिलेक्ट होई रही छि एवं एतिरे लाइन रो स्टाइल परिवर्तन करिया पई तुम्हें इठारे ड्रॉप डाउन आइकन को क्लिक करी तुम इच्छा मुताबिक जेकोसी गोटे स्टाइल को सिलेक्ट करि परिबो। लाइन रो कलर चेंज करि परिबो इठारे ड्रॉप डाउन आइकन को क्लिक करी तुम इच्छा मुताबिक जेकोसी गोटे कलर को सिलेक्ट करि परिबो। तार विड्थ को चेंज करिबा पई इठारे तुम्हें अप एरो की किंबा डाउन एरो की को व्यवहार करि परिबो एवं तार प्रीव्यू इठारे देखि परिबो।
ସେହିପରି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି, କଲର୍ର ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ତୁମେ ଏଠାରେ ଅପ୍ ଏରୋ କି କିମ୍ବା ଡାଉନ୍ ଏରୋ କିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ବଢ଼ାଇ ପାରିବ କିମ୍ବା କମାଇ ପାରିବ। ଏବେ ତାପରେ ଏରୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅପସନ୍କୁ ଯାଅ, ଏଠାରେ ଡ୍ରପ୍ ଡାଉନ୍ ଏରୋ କିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ତୁମେ ଲେଫ୍ଟ ଏରୋ କିର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ତୁମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ ଏବଂ ତାର ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଦେଖିପାରିବ। ସେହିପରି ଏଠାରେ ରାଇଟ୍ ଏରୋ କିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏରୋର ୱିଡ୍ଥ ତୁମେ ଏଠାରେ ବଢ଼ାଇ ପାରିବ କିମ୍ବା କମାଇ ପାରିବ ଅପ୍ ଏରୋ କି ଏବଂ ଡାଉନ୍ ଏରୋ କିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି, ଏବଂ ଏହାର ୱିଡ୍ଥକୁ ତୁମେ ସେଣ୍ଟର କିମ୍ବା ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ୍ ଏଣ୍ଡ ଏହା ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ। ସେହିପରି କର୍ଣ୍ଣର ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ତୁମେ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ କେଉଁପରି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ। ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପସନ୍ ରହିଛି ସେଡୋ, ଏଠାରେ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର ଏବଂ ପୋଜିସନ୍ ତୁମେ ସିଲେକ୍ଟ କର। ତାପରେ ତୁମେ ଏଠାରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ, ସେଡୋର କଲର୍ ତୁମେ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ। ସେହିପରି ଏଠାରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କଲର୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ତୁମେ ଏଠାରେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ, ବଢ଼ାଇ ପାରିବ କିମ୍ବା କମାଇ ପାରିବ ଅପ୍ ଏରୋ କି ଏବଂ ଡାଉନ୍ ଏରୋ କିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି। ତାପରେ ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର, ଏଠାରେ ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଡ୍ୟାସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କିମ୍ବା ଡଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଲାଇନ୍ରେ, ଏବଂ କେତୋଟି ନମ୍ବର ଡ୍ୟାସ୍ ଏବଂ କେତୋଟି ନମ୍ବର ଡଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତା ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ। ଏହାର ଲେନ୍ଥ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ ଅପ୍ ଏରୋ କି ଏବଂ ଡାଉନ୍ ଏରୋ କିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି, ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପେସ୍ କେତେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତା ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ ମଧ୍ୟ। ଏଠାରେ ତୁମେ ସ୍ପେସିଂ, ଲେନ୍ଥ, ନମ୍ବର ଏବଂ ଟାଇପ୍କୁ ତୁମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ ଯାହା ଚାହୁଁଛ, ଡଟ୍ କିମ୍ବା ଡ୍ୟାସ୍ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତା ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ। ଏବେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଯେହେତୁ ନୂଆ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛ, ତୁମେ ଏହାକୁ ଏଡ଼୍ କରିପାରିବ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ଏଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଡ଼୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏଠାରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ନାମ ଦେଇ ତୁମେ ଓକେ ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଏହି ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟି ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇ ରହିଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପାଇଁ। ସେହିପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏରୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ତୁମେ ଏଠାରେ ଏରୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଓକେ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କର, ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ତୁମେ କରିଥିବା ଫର୍ମାଟିଂ ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ ଲାଇନ୍ର ଫର୍ମାଟିଂ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ତୁମେ ଏହାକୁ ବଡ଼ କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ F5 ବଟନ୍ର ପ୍ରେସ୍ କରି ତୁମେ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବ ବଡ଼ ଆକାରରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଲାଇନ୍ ଅପସନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏରିଆ ଅପସନ୍ ବିଷୟରେ ଶିଖିବ। କ'ଣ ତୁମେ କହିପାରିବ ଏରିଆ ଅପସନ୍ର ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କରାଯାଏ? ଏହି ଅପସନ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମେ ତୁମର ଡ୍ରଇଂ କିମ୍ବା ଅବଜେକ୍ଟର ଭିତରେ ତୁମେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଫର୍ମାଟିଂକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପସନ୍ ରହିଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତୁମର ସ୍ଲାଇଡ଼୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ତିଆରି କରିପାରିବ ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ତୁମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଶିଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏରିଆ ଅପସନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଲାଇଡ଼୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଏହାର ଚିତ୍ରକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର। ଏହାପରେ ତୁମର କର୍ସର୍କୁ ନେଇ ଫର୍ମାଟ୍ ମେନୁକୁ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର, ଏହାପରେ ଏରିଆ ଅପସନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ତୁମ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ଓପନ୍ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଏରିଆ ଅପସନ୍ରେ। ଏଠାରେ ଡ୍ରପ୍ଡାଉନ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଅପସନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ। ଏବେ କଲର୍ ଅପସନ୍ରୁ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କଲର୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର। ତାପରେ ସେଡୋ ଅପସନ୍କୁ ଯାଅ, ଏଠାରେ ୟୁଜ୍ ସେଡୋ ଅପସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କର।
एवं तुम एठार पोजीशन सिलेक्ट करि परिबो तुमरो शैडो तुमरो चित्र रे केउठार देबा पई चाहुछो एवं शैडो रो कलर को सिलेक्ट करि परिबो डिस्टेंस एठार अप एरो की किंबा डाउन एरो की को प्रेस करि तुमे डिस्टेंस दे परिबो एवं ट्रांसपेरेंसी को सिलेक्ट करि परिबो से पई परवर्ती ऑप्शन रही छि ट्रांसपेरेंसी एठारे ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन को सिलेक्ट करी तुमे तुमरा शेडर ऑफ कलर गाढ़ा किंबा फिक्का करी परिबो अर्थात तुमे ट्रांसपेरेंसी कम करी कलर गाढ़ा करी परिबो एवं या को बढ़ाई यार कलर को फिक्का करी परिबो से पई ग्रेडिएंट ऑप्शन रही छि जेउतिर टाइप रे विभिन्न प्रकार ग्रेडिएंट रही छि तुमे आपको चेक करी परिबो प्रीव्यू ऑप्शन रे सिलेक्ट करी गटी गटी एवं परवर्ती ऑप्शन रही छि सेंटर एक्स अर्थात तुमे जो ग्रेडिएंट देइछो ता केउठारे तुमे रखिया पई चाहुछो ताइठारे सेंटर एक्स सेंटर वाई याको सिलेक्ट करी परिबो केते एंगल ले देवा पई चाहुछो ता कोटे सिलेक्ट करी परिबो से परी बॉर्डर रो एठारे सिलेक्ट करी परिबो परसेंटेज बॉर्डर केते परसेंट रे आसीबो से परी स्टार्ट वैल्यू एवं एंड वैल्यू को मध्ये तुम्हें सिलेक्ट करि परिबो जे भली वीडियो रे तुम्हें देखी पारु छ यार परवर्ती ऑप्शन रही छि कलर एई ठारे तुम्हें गोटिए नुवा कलर सिलेक्ट करी ताको ऐड करि परिबो तुम्हा इच्छा अनुसार जे भली वीडियो रे इठारे गोटिए नाम दिया जाय छि इठारे नाम टाइप करिवा पई तुम्हें इठारे जे कोन छोटे नाम टाइप करि परिबो जे भली इठारे सी एस स्काई ब्लू को टाइप करा जाय छि एवं ताक तुमे ऐड करि परिबो जेमळी वीडियो रे देखा जाय छि किमा मॉडिफाई करि परिबो एठार गोटे कलर को सिलेक्ट करो तपर नाम दियो तपर ऐड ऑप्शन को क्लिक करो से पर एठार ग्रेडिएंट ऑप्शन रही छि एठार टाइप रे तुमे एठार ऑप्शन को सिलेक्ट करि परिबो एवं एठार फ्रॉम रे तुमे कलर को सिलेक्ट करि परिबो तार प्रीव्यू एठार देखि परिबो जे भली वीडियो रे देखा जाय छि या पर ऐड ऑप्शन उपर गोटे थर क्लिक करो एठार गोटे नाम देवा पई ऑप्शन आसीबो तुमे एठार गोटे नाम दे याको ओके बटन को प्रेस करो परवर्ती ऑप्शन रही छि हैचिंग एवं बिट मैप हैचिंग रे तुमे देखि परिबो एठार विभिन्न प्रकार ऑप्शन रही छि तुमे एठार स्पेसिंग को बढ़ाई परिबो किबा कमाई परिबो अप एरो की एवं डाउन एरो की को प्रेस करी से परी यार कलर को मध्य तुम्हें सिलेक्ट करी परिबो लाइन कलर को एवं एंगल केते देवा पई चाहुचो ताहा इटर सिलेक्ट करी परिबो यार डिग्री अनुसार तुम्हें सिलेक्ट करी परिबो एवं तुम्हें इठारे देखी परिबो तार प्रीव्यू को मध्य इठारु सिलेक्ट करी गोटे गोटे वर्तमान इठारे लाइन कलर को सिलेक्ट करो एवं इठार गोटे कलर को सिलेक्ट करो तुम्हे चाहुथिबा गोटे कलर को तुम्हे देखि परिबो प्रीव्यू रे तार स्टाइल इठार आसी जाय छि इठार स्पेसिंग को बढ़ाई तार स्टाइल तुम्हे चेक करि परिबो तापरे इठार सेव करिवा पे ऑप्शन आसीबो सेव ऑप्शन उपरे गोटे थर क्लिक करो इठार गोटे नाम दियो तापरे ओके बटन को प्रेस करो तुम्हे देखि परिबो इठार नामटे पूर्वर अछि तेणु इठारे आउ गोटे नाम दियो सी एस इलेवेन तापर ओके बटन को प्रेस करो एबे एड उपर गोटे थर क्लिक करो या परे इठारे गोटे नाम दियो जे मळे सी एस एस टाइप करा जाय छि तापर ओके बटन को प्रेस करो तुम्हें देखि परिबो इटा हैचिंग रे तुम्हारो स्टाइल टी आसी जाय छि से परे बीट मैप को सिलेक्ट करो एवं तुम्हें पैटर्न इठारे सिलेक्ट करि परिबो एवं तार कलर को मध्यम तुम्हें इठारे बाछी तुम्हें कलर दे परिबो केउ प्रकार तुम्हें बीट मैप तैयारी करिया पई चाहू छ एई बळी बारे तापर इठारे फोरग्राउंड कलर को तुम्हें चेंज करिया पई इठारे ड्रॉप डाउन आइकन को क्लिक करी फोरग्राउंड रो कलर को चेंज करि परिबो तुम्हें चाहुथिबा जे कोनसी कलर दे परिबो इठारे इठारे गोटे कलर को सिलेक्ट करो एवं बैकग्राउंड कलर कौन देवा पई चाहू छ ता इठे सिलेक्ट करि परिबो
जो भाई तुम्हें भिडियो देखिपुछ ये भाव में तुम्हें बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट कर पार या परे इधर थिबा एड ऑप्शन ऊपर गोटे थर क्लिक कर एठारे गोटे नाम दियो जो भाई एठारे गोटे नाम टाइप करा दिछि ए भाई भाव गोटे नाम दियो ए भाई भाव गोटे नाम दियो सी एस वन टू जो भाई लिखा जाइछि तापर ओके बटन को प्रेस कर तुम्हें देखि परिबो इठारे बीट मैप रे से स्टाइल टी आसी जाइछि तापर ओके बटन को प्रेस कर तुम्हें देखि परिबो तुम्हें करथवा फॉर्मेटिंग अनुजाई तुम चित्र रे फॉर्मेटिंग होइ जाइछि एवं जे तुम्हें एते चेक करिया पें चाहिबो प्रथमे चित्र टी को सिलेक्ट कर तापर इठारे कलर ऑप्शन को जाई इठारे प्रथमे हैचिंग ऑप्शन को सिलेक्ट कर एवं इठारे ड्रॉप डाउन आइकन रे तुम्हें देखि परिबो तुम्हें तयारी करथवा हैचिंग इठारे आसी जाइछि एवं ताकु सिलेक्ट करी तुम्हें चेक करी परिबो एहा तुम्हारो चित्र रे किपरि फील होउछि से परि कलर ऑप्शन जाई तुम्हें बीट मैप को सिलेक्ट कर एवं इठारे ड्रॉप डाउन आइकन रे तुम्हें तयारी करथवा बीट मैप इठारे आसी जाइछि तुम्हें ताकु सिलेक्ट करी परिबो एवं ताकु चेक करी परिबो एही परि भाबरे तुम्हें एरिया ऑप्शन को व्यवहार करी परिबो कौन तुम्हें कही परिबो टेक्स्ट ऑप्शन द्वारा कौन होइथाय तुम्हें टेक्स्ट ऑप्शन रो व्यवहार करी विड्थ हाइट स्पेसिंग को परिवर्तन करी परिबो एही ऑप्शन को व्यवहार करी तुम्हें टेक्स्ट रो एनिमेशन मध्य करी परिबो एवं जदि तुमको किछ असुविधा हेउछि तेबे एही वीडियो को देखो एवं सेथिरु सिखो वर्तमान टेक्स्ट ऑप्शन रो व्यवहार करिबा पई प्रथमे तुम्हें एठारे टाइटल स्लाइड रे टाइटल को सिलेक्ट करो तृतीय स्लाइड रे तापरे तुम्हारो कर्सर को फॉर्मेट मेनू को नहीं गोटे थर क्लिक करो या परे एठारे टेक्स्ट ऑप्शन को गोटे थर क्लिक करो तुम आगे गोटे बॉक्स ओपन हेबो जो थे तुम्हें देखिपारिबो एठारे प्रथम टैब रही टेक्स्ट रो टेक्स्ट ऑप्शन रो प्रथम ऑप्शन टी को क्लिक कर फिट विड्थ टू टेक्स्ट एवं स्पेसिंग टू बॉर्डर रे एठारे लेफ्ट राइट टॉप एवं बॉटम रे एठारे तुम्हें अप एरो की को प्रेस करी या को बढ़ाई पारिबो तापर टेक्स्ट एनिमेशन रे एठारे इफेक्ट विभिन्न प्रकार रही तुम्हें एठारे ब्लिंक को क्लिक कर तापर ओके बटन को प्रेस कर तुम्हें भी देखि पारिबो तुम्हारा टेक्स्ट ब्लिंक होउछि से परि याको पुनर्बार सिलेक्ट कर तापरे फॉर्मेट ऑप्शन को जाओ फॉर्मेट मेनू रे एबे टेक्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर एबे इठारे इफेक्ट्स रे तुम्हें स्क्रॉल इन किंबा स्क्रॉल थ्रो किंबा स्क्रॉल बैक टू फोर्थ सिलेक्ट करि पारिबो एबे स्क्रॉल थ्रो को सिलेक्ट कर इठारे डायरेक्शन रे तुम्हें सिलेक्ट करि पारिबो एवं इठारे प्रॉपर्टीज रे स्टार्ट इनसाइड तापर ऑप्शन टेक्स्ट विजिबल व्हेन एग्जिटिंग एवं एनिमेशन साइकिल इठारे तुम्हें सिलेक्ट करि पारिबो अप एरो की किंबा डाउन एरो की को प्रेस करि किंबा कंटीन्यूअस करि पारिबो एबे इठारे डिले रे तुम्हें इठारे सिलेक्ट करि पारिबो केते समय परे या डिले हेबो किंबा ऑटोमेटिक करि पारिबो तापर ओके बटन को प्रेस कर तुम्हें देखि पारिबो तुम्हारो टेक्स्ट ऊपर तल को आसुची जे हम तुम्हें वीडियो रे देखि पारछ एबे याकु पुनर्बार क्लिक कर एवं याकु सिलेक्ट कर तापर पुनर्बार फॉर्मेट मेनू को जाओ तापर टेक्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर वर्तमान इठारे इफेक्ट्स रे इठारे स्क्रॉल बैक एंड फोर्थ या को सिलेक्ट कर एवं डायरेक्शन टू राइट को सिलेक्ट कर तापर ओके बटन को प्रेस कर तुम्हें देखि पारिबो तुम्हारा टेक्स्ट बामरो डाण को जाउछि
सेपर या को पुनर्बार सिलेक्ट करो, तापर फॉर्मेट मेनू को जाओ, तापर टेक्स्ट ऑप्शन को गोटे थर क्लिक करो। वर्तमान एठारे इफेक्ट्स रे तुम्हें एठारे स्क्रॉल इन को सिलेक्ट करो एवं डायरेक्शन तुम्हें एठारे लेफ्ट डायरेक्शन को सिलेक्ट करो, तापर ओके बटन को प्रेस करो। तुम्हें देखि पारिबो एठारे तुम्हारा टेक्स्ट बाम को आसुचि, एबे पुनर्बार या को सिलेक्ट करो, तापर फॉर्मेट ऑप्शन को जाओ, तापर टेक्स्ट ऑप्शन को जाओ, वर्तमान राइट को सिलेक्ट करो एवं तापर ओके बटन को प्रेस करो। तुम्हें देखि पारिबो तुम्हें करितवा फॉर्मेटिंग एठार आसी जाइछि। एही परि भाबरे तुम्हें टेक्स्ट ऑप्शन को व्यवहार करि पारिबो। क्रॉप पिक्चर ऑप्शन रो व्यवहार काहे की करा जाए? क्रॉप पिक्चर ऑप्शन रो व्यवहार करी तुम्हें तुम्हारा चित्र को क्रॉप करि पारिबो, किंबा चित्र रु तुम्हें देखाया पई चाहु नथिबा भाग को काटी पारिबो। एवं जदि तुमको किछ असुविधा होउछि तेबे एही वीडियो को देखो एवं सेथिरु सीख। वर्तमान क्रॉप ऑप्शन रो व्यवहार करिबा पई प्रथमे तुम्हें गोटे चित्र को सिलेक्ट करो तुम्हारा स्लाइड रे, जहाँ को तुम्हें क्रॉप अर्थात काटिया पई चाहुछ। एबे चतुर्थ स्लाइड को सिलेक्ट करो, तापरे यार चित्र को सिलेक्ट करो जो भाई वीडियो देखा जाइछि। या परे तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को फॉर्मेट मेनू को नहीं गोटे थर क्लिक करो, तापरे इठारे क्रॉप पिक्चर ऑप्शन ऊपर गोटे थर क्लिक करो। तुम आगर गोटे बॉक्स ओपन हेबो, इठारे कीप इमेज साइज ऑप्शन ऊपर क्लिक करो एवं तुम्हें इठारे लेफ्ट एवं एट तुम्हें लेफ्ट रे तुम्हें अप एरो की को प्रेस करी तुम्हें चेक करी परिबो केते तुम्हें काटिया पई चाहुछ बाम पाखरु एवं उपरु किंबा डाहन साइड रु किंबा बॉटम अर्थात तळु, एटा तुम्हें सिलेक्ट करी परिबो एवं तार प्रीव्यू देखि परिबो। एबे गोटे थरा ओके बटन को प्रेस करो, तुम्हें देखि परिबो तुम्हें चारि पाखरे जति काटिया पई चाहुतिलो ताठारे क्रॉप होइ जाइछि अर्थात कटि जाइछि। से परे पुनर्बार फॉर्मेट मेनू को जाओ, तापरे क्रॉप पिक्चर ऊपर क्लिक करो। वर्तमान इठारे इमेज साइज ऑप्शन ऊपर क्लिक करो, इठारे विड्थ एवं हाइट इठारे तुम्हें क्रॉप करिया पई तुम्हें इठे सिलेक्ट करि परिबो एवं तार प्रीव्यू इठारे देखि परिबो ऊपर। एबे गोटे थरो ओके बटन को प्रेस करो, तुम्हें देखि परिबो तुम्हें जो क्रॉप रे फॉर्मेटिंग करितिलो ता इठारे होइ जाइछि। पुनर्बार फॉर्मेट मेनू को जाओ, तापरे क्रॉप पिक्चर ऊपर क्लिक करो। तुम आगे गोटे बॉक्स ओपन हेबो, स्केल ले विड्थ एवं हाइट यार परसेंटेज को तुम्हें बढ़ाई पारिबो किंबा कमाई पारिबो। एबे ओके बटन को प्रेस करो, तुम्हें देखि पारिबो तुम्हारा चित्रटी बड़ होइ जाइछि अर्थात जूम होइ जाइछि जे भले तुम्हें वीडियो रे देखि पारुछ। एबे पुनर्बार फॉर्मेट ऑप्शन को जाओ, तापरे क्रॉप पिक्चर ऊपर क्लिक करो। जे तुम्हें या को ओरिजिनल साइज को आने पई चाहौ छो एठारे ओरिजिनल साइज ऊपर क्लिक करो, जा द्वारा या पूर्व अवस्था को आसी जिवो। तापर ओके बटन को प्रेस करो, तुम्हें देखि परिबो चित्रटी पूर्व अवस्था को आसी जाई छी। एही परि भाबरे तुम्हें क्रॉप इमेज ऑप्शन रो व्यवहार करि परिबो। वर्तमान तुम्हें स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन विषय रे जानिबो। एही ऑप्शन सहाय्य रे तुम्हें तुम्हारा टेक्स्ट ऑब्जेक्ट एवं चित्रर स्टाइल को तुम्हें चाहुथिबा परि बदलाई पारिबो। आसो वर्तमान एही वीडियो को देखिबा एवं एहा विषय रे अधिक सिखिबा। वर्तमान स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन रो व्यवहार करिबा पई प्रथमे तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को
फॉर्मेट मेनू को नहीं गोटे थर क्लिक कर। या परे एठारे स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन ऊपर गोटे थर क्लिक कर। तुम आगर गोटे बॉक्स ओपन हेबो, एठारे तुम्हें देखि परिबो विभिन्न प्रकार स्टाइल रहिछि एवं एठारे मॉडिफाई कर परिबो। जे तुम्हें मॉडिफाई ऊपर क्लिक करछो तुम्हें देखि परिबो एठारे फिल रे विभिन्न ऑप्शन रहिछि। तुम एठारे जेकोणसी गोटे को सिलेक्ट कर, जो भले एठारे बीट मैप को सिलेक्ट करा जाइछि एवं एथि पई गोटे एठारे स्टाइल को सिलेक्ट कर, किंबा तुम्हें हैचिंग को जाई एठारे जेकोणसी गोटे को सिलेक्ट कर परिबो। तापर ओके बटन को प्रेस कर, तुम्हें देखि परिबो तुम्हें सिलेक्ट करथिबा स्टाइल सब स्लाइड रे आसी जाइछि। जो भले तुम वीडियो रे देखि परछो सेपरि एठारे द्वितीय स्लाइड को सिलेक्ट कर एवं एठारे चित्र को सिलेक्ट कर। तापर एठारे स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग बॉक्स को जाई एठारे ऑब्जेक्ट विदाउट फिल ऑप्शन को सिलेक्ट कर। तुम्हें देखि परिबो तुम चित्र मध्ये कलर जो फिल होइतला ता हटी जाइछि। जे तुम्हें ऑब्जेक्ट विथ ए नो फिल एंड नो लाइन को क्लिक करूछ तबे तुम्हें देखि परिबो चित्रटी संपूर्ण भाव रे हटी जाइछि। से परि ऑब्जेक्ट विथ एरो या को जे तुम्हें व्यवहार करूछ तुम्हें देखि परिबो इथरे एरो आसी जाइछि। से परि एठारे तुम्हें अन्य ऑप्शन को सिलेक्ट करी या को चेक करि परिबो। एठारे विभिन्न प्रकार स्टाइल रहिछि, से परि ऑब्जेक्ट विदाउट फिल जदि एठारे मॉडिफाई को क्लिक करूछ तुम आगे आउ गोटे बॉक्स ओपन हेबो, जोठारे तुम्हें देखि परिबो फिल रे इठि ऑप्शन को सिलेक्ट करी तुम्हें एठारे जेकोणसी गोटे कलर को बाछि परिबो। जदि रजेश को क्लिक करूछ तापर एठारे तुम्हें ओके बटन को क्लिक करूछ तबे तुम्हें देखि परिबो एठारे ऑब्जेक्ट विथ फिल को क्लिक कर, तुम्हें देखि परिबो तुम्हारा चित्र मध्य रे तुम्हें सिलेक्ट करथिबा स्टाइल टी सिलेक्ट होई जाइछि। एठारे तुम्हें जेकोणसी गोटे आउटलाइन को सिलेक्ट कर, तुम्हें देखि परिबो एठारे आउटलाइन रे परिवर्तन होई जाइछि। जो मैं तुम्हें वीडियो रे देखि पारुछ एवं जदि एठारे मॉडिफाई ऊपर क्लिक करुछ तुम आगर जो बॉक्स ओपन हेबो एठारे विभिन्न ऑप्शन अछि तुम्हें देखि परिबो स्पेसिंग टू बॉर्डर एठारे लेफ्ट राइट से परि टॉप बॉटम एठारे तुम्हें बढ़ाई परिबो। तापर ओके बटन को प्रेस कर, तुम्हें देखि परिबो सेइ अनुसार मॉडिफाई होइ जाइछि। एही परि भाबरे तुम्हें स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन को व्यवहार करि परिबो। आसो एबे टूल्स मेनू रो किछि ऑप्शन गुड़िक विषय रे अधिक सिखिबा। टूल्स मेनू रो प्रथम ऑप्शन स्पेलिंग रो अटे। स्पेलिंग ऑप्शन साहाज्य रे तुम्हें तुम्हार इंप्रेस स्लाइड रे शब्द लाइन किंबा पाराग्राफ को टाइप करिबा समय रे करितिबा भूल को सटीक करि पाइबो। एहा पई तुम्हें शॉर्टकट कमांड F7 रो व्यवहार करि पाइबो। तुम्हें कहि पाइबो कि कलर रिप्लेसर कौन अटे। कलर रिप्लेसर ऑप्शन रो साहाज्य रे तुम्हें तुम्हार चित्र रु गोटे कलर को नहीं पारिबो एवं ताकु आउ गोटे कलर द्वारा रिप्लेस करि पारिबो। एवं जदि तुमको किछि असुविधा हेउछि तेबे एही वीडियो को देखो एवं सेथिरु सिखो। वर्तमान कलर रिप्लेसर ऑप्शन रो व्यवहार करिबा पई प्रथमे तुम्हें गोटे चित्र को सिलेक्ट कर तुम्हार स्लाइड रे, जो भाई इठारे चतुर्थ स्लाइड रो चित्रटी को सिलेक्ट करा जाइछि। वर्तमान एही चित्रर कलर को रिप्लेस करिबा पई प्रथमे या को सिलेक्ट कर, तापरे तुम्हार कर्सर किंबा पॉइंटर को टूल्स मेनू को नहीं गोटे थर क्लिक कर। तापरे इठारे कलर रिप्लेसर ऑप्शन को क्लिक कर, तुम आगे गोटे बॉक्स ओपन हेबो एठारे तुम्हें देखि परिबो गोटे छोट ऑप्शन रहिछि पिपेट। या को नहीं तुम्हें जो कलर को परिवर्तन करिया पई चाहुछो सेठारे गोटे थर क्लिक कर, या द्वारा सेही कलर टी इठारे सोर्स कलर आकार आसी जिवो। तापरे रिप्लेस विथ जगार इठारे गोटे कलर को सिलेक्ट कर तुम इच्छा मुताबिक। तापरे
इठारे रिप्लेस ऑप्शन ऊपर गोटे थर क्लिक कर तुम्हें देखि पारिबो तुम्हें सिलेक्ट करथिबा कलर एवं तुम्हें चाहूथिबा कलर द्वारा रिप्लेस होई जाइछि जे भले तुम्हें वीडियो रे देखि पारुछो सही परी इठारे पिपेट को जे गोटे थर क्लिक कर एवं एठारो आ गोटे कलर को सिलेक्ट कर इठारे आ गोटे कलर को सिलेक्ट कर जो भले वीडियो रे इठारे सिलेक्ट करा जाइछि गोटे कलर को नियोपे ये रिप्लेस विथ रे आ गोटे कलर को बाछ जो कलर तुम्हें देवाप चाहछ तापर रिप्लेस बटन उपर गोटे थर क्लिक कर तुम्हें देखिपर तुम्हें दे कलर अनुजाई यार कलर परिवर्तन हो तुम्हें ये जे कौन से कलर को तुम्हें सिलेक्ट करी ताकु रिप्लेस करी चेक मध्यम करी परिबो एही परि भाबरे तुम्हें कलर रिप्लेसर ऑप्शन को व्यवहार करी परिबो आसो वर्तमान मीडिया प्लेयर विषय सिखिबा तुम्हारा कंप्यूटर रे जे कौन से जगह रे थिबा वीडियो किंबा MP3 अर्थात गीत को तुम्हारा इंप्रेस फाइल रे प्ले करिबा अर्थात चलाइबा पई मीडिया प्लेयर तुमको साहाज्य करिथाय आस वर्तमान एही वीडियो को देखिबा एवं मीडिया प्लेयर ऑप्शन रो व्यवहार केमिति करा जाय ता सिखिबा वर्तमान मीडिया प्लेयर ऑप्शन रो व्यवहार करी कोनोसे मल्टीमीडिया फाइल को तुम्हें तुम्हारा फाइल रे इंसर्ट करि परिबो एथि पई तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को टूल्स मेनू को नहीं गोटे थर क्लिक कर तापर मीडिया प्लेयर ऑप्शन उपर गोटे थर क्लिक कर एठारे मीडिया प्लेयर बॉक्स ओपन हेबो तुम इटा देखि परिबो एठारे गैलरी ऑप्शन रही छी तुम इठारो गैलरी ऑप्शन को सिलेक्ट करी तुम इठारो चेक करी परिबो एवं एठारे ओपन उपर गोटे थर क्लिक कर एठार गोटे बॉक्स ओपन हेबो एठार तुम्हारा मल्टीमीडिया फाइल केउठार अछि तुम्हें खोजि परिबो एवं ताकु सिलेक्ट करो तापर ओपन उपर क्लिक करो तुम्हें देखि परिबो एठारे तुम्हारा मल्टीमीडिया फाइल टी एठारे इंसर्ट होइ जाइछि एवं तुम्हें ताकु प्ले करि परिबो किंबा तुम्हें ताकु पॉज करि परिबो किंबा स्टॉप करि परिबो किंबा रिपीट करि परिबो एवं एहा पर जे तुम्हें अप्लाई ऊपर गोटे थर क्लिक करुछ तेबे एहा तुम्हारा स्लाइड रे अप्लाई होई जिवो जे भले तुम्हें वीडियो रे देखि पारुछ से परि पुनर्बार एठारे फाइल ओपन ऊपर गोटे थर क्लिक कर एवं जदि अन्य कोनोसी तुम्हें मल्टीमीडिया फाइल को इंसर्ट करिया चाहिए तेब कर वीडियो को जाओ इटे गोटे रेकॉर्डिंग फाइल अच्छी या को सिलेक्ट करो तापरे ओपन उपर क्लिक करो तुम्हें देखिपर से ही रेकॉर्डिंग फाइल टी इटे आसी जाइछि एवं तुम्हें ताकु इटे प्ले करी चेक करी परिबो एवं जदि अप्लाई ऊपर क्लिक करछ तबे या इठारे अप्लाई होई जिवो ताको प्ले करि परिबो किंबा पॉज करि परिबो किंबा स्टॉप करि परिबो किंबा इठारे म्यूट करि परिबो इठारे अप्लाई ऊपर क्लिक करे तुम्हें देखि परिबो इठारे वीडियो टी तुम्हारा स्लाइड रे इंसर्ट होई जाइछि जे भले तुम्हें वीडियो रे देखि परुछ एही परि भाबरे तुम्हें मीडिया प्लेयर ऑप्शन को व्यवहार करि परिबो कोन तुम्हें जानी छो आमे मिनिमाइज प्रेजेंटेशन ऑप्शन रो व्यवहार काहें कि करि थाउ एहार व्यवहार करी तुम्हें तुम्हारा प्रेजेंटेशन फाइल रो साइज को कमाई परिबो एहा द्वारा तुम्हें तुम्हारा इमेज को कंप्रेस करि परिबो मध्य एवं तुम्हें तुम्हारा इंप्रेस प्रेजेंटेशन रो समरी
देखि परिबो। आसो वर्तमान एही वीडियो को देखि एही ऑप्शन रो व्यवहार केमिति करा जाय ताहा सिखिबा। वर्तमान मिनिमाइज प्रेजेंटेशन ऑप्शन रो व्यवहार करी तुम्हें तुम्हारा प्रेजेंटेशन फाइल रो साइज को कम करी परिबो। एथि पई प्रथमे तुम्हारो कर्सर को टूल्स मेनू को नहीं गोटे थर क्लिक कर, तापरे मिनिमाइज प्रेजेंटेशन ऑप्शन पर गोटे थर क्लिक कर। तुम आगे गोटे बॉक्स ओपन हेबो जो भाई वीडियो देखा जाए, तुम्हें नेक्स्ट उपर क्लिक कर। तुम्हें देखिपर ये स्लाइड ऑप्शन रही, तुम्हें ये मास्टर पेज को डिलीट कर पार कि हाइड होता स्लाइड को डिलीट कर पार। एवं आउ थे तुम्हें नेक्स्ट करुछ, तुम्हें देखिपर ये जेपीजी कंप्रेशन रही, लॉसलेस कंप्रेशन रही, सेपरी तुम्हें ये इमेज रो रिजोल्यूशन को ये कम कर पार, फाइल रो साइज को कम करने जो भाई वीडियो देखा जापरी। जो तुम्हें आउ थे नेक्स्ट करुछ तेब ये ओएलई ऑब्जेक्ट्स आसीबो, एवं आउ थे नेक्स्ट कले ये समरी आसीबो, एवं इटारे फिनिश कर। तुमको यही चेंजेस को सेव करने ऑप्शन आसीबो गोटे बॉक्स, इटारे तुम्हें गोटे फाइल रो नाम दे इटारे आपको सेव कर जो भाई वीडियो रे देखा जाइछि। एवं यहाँ पर तुम्हें देखि पारिबो या आउ गोटे डुप्लिकेट प्रेजेंटेशन तुम्हारा तैयारी होई जिवो कम साइज रो जहाँ को तुम्हें व्यवहार करि पारिबो। एबे ओके ऊपर क्लिक कर, या द्वारा नूतन फाइल टी इठारे ओपन होई जिवो जो भाई तुम्हें वीडियो रे देखि पारुछ। एवं एहा को तुम्हें चेक करि पारिबो एवं ताको प्रेजेंटेशन आकार रे व्यवहार करि पारिबो। एही परि भाव रे तुम्हें मिनिमाइज प्रेजेंटेशन ऑप्शन को व्यवहार करि पारिबो। आजिरो क्लास एठारे शेष हला। तुम्हें समस्ते तुम्हारो इम्प्रेस रो फाइल को बंद कर एवं तापरे तुम्हारो कंप्यूटर को सठिक भावरे बंद कर। आजिरो क्लास रे तुम्हें इनसर्ट एवं फॉर्मेट मेनू रो रही जाइतिबा ऑप्शन गुड़िक विषय रे सिखिल, जेमिति कि एक्सपांड स्लाइड, समरी स्लाइड, एनिमेटेड इमेज, मूवी एंड साउंड, ऑब्जेक्ट एवं फॉर्मेट मेनू रो किछि ऑप्शन जेमिति कि पोजीशन एंड साइज, लाइन, एरिया, टेक्स्ट, क्रॉप पिक्चर, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग, ग्रुप विषय रे सिखिलो। एवं तापरे तुम्हें टूल्स मेनू रो किछि ऑप्शन गुड़िक विषय रे सिखिलो, जेमिति कि स्पेलिंग, लैंग्वेज, कलर रिप्लेसर, मीडिया प्लेयर इत्यादि विषय में सिखिल। कंप्यूटर शिक्षा को सहयोग करिछंती।